अगर फोन हो जाए चोरी तो कैसे ढूंढें? तो आसान तरीकों को अपनाएं, मिलेगा आसानी से चोरी हुआ फोन। अब आप चोरी हुए फोन को लेकर नहीं होंगे परेशान, क्योंकि गूगल ने दिया है यह फीचर जिससे मिल जाएगा खोया हुआ फोन। एक तरीका गूगल ने दिया, एक आपका फोन बाय डिफॉल्ट देता है। जाने वो तरीके जिससे खोया हुआ फोन मिलेगा, यहां तक कि अगर आपका फोन है साइलेंट और नहीं मिल रहा है तो वो भी मिल जाएगा। फोन का इस्तेमाल इन दिनों सभी घरों में हो ही रहा है। कुछ घरों में 4 से ज्यादा फोन का इस्तेमाल हो रहा है। आंकड़े बताते हैं लोग सुबह उठते ही अपना फोन चेक करने लगते हैं, यानी फोन का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में अगर फोन चोरी हो जाए या फिर खो जाए तो चिंता बढ़ ही जाती है। स्मार्टफोन में ढेर सारे स्टोर्ड डेटा की चिंता होने लगती है। इस चिंता को दूर करने का तरीका गूगल देता है। साथ ही गूगल के अलावा भी एक तरीका है, अगर एंड्रॉइड फोन या टैबलेट या डिजिटल घड़ी खो जाती है तो आप उसे ढूंढ सकते हैं, लॉक कर सकते हैं या फिर उस पर मौजूद डेटा हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आइए बताते हैं। स्मार्टफोन गूगल अकाउंट के लॉगिन करने के बाद ही चलता है, जो कि बड़ा फायदा भी देता है। अगर डिवाइस कहीं गुम हो जाए तो गूगल खाते से उसे ढूंढा जा सकता है। इसके लिए गूगल देता है फाइंड माई डिवाइस फीचर। फोन खोने की स्थिति में फाइंड माई डिवाइस पर लॉगिन करें। लॉगिन गूगल के उस खाते से करें जो कि खोए हुए फोन में लॉगिन किया गया था। लॉगिन के बाद आप अपने डिवाइस का लोकेशन देख सकते हैं। इसके लिए खोए हुए फोन का ऑन होना जरूरी है। जहां खोए हुए फोन का इंटरनेट से कनेक्ट होना भी जरूरी है। अगर इन सभी शर्तों को आपका फोन पूरा कर रहा है तो आप जल्द ही अपने खोए हुए फोन का लोकेशन देख सकेंगे। मैप पर आपको खोए हुए फोन की जगह की जानकारी मिलेगी। फोन ढूंढना, लॉक करना या उस पर मौजूद डेटा हमेशा के लिए मिटाना इससे संभव हो सकेगा। डेटा को डिलीट करने के लिए उपयुक्त ऑप्शन चुने जिससे गूगल पर सेव सभी डेटा डिलीट हो जाएगा। हालांकि इससे चोरी हुए फोन को ढूंढना पूरी तरह संभव नहीं है, क्योंकि खोए हुए फोन का इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी है। फोन ऑन होना चाहिए, साथ ही उसमें गूगल खाता लॉगिन भी होना चाहिए। दिखाया जा रहा लोकेशन सही हो ये जरूरी नहीं है। लोकेशन एक अनुमान के तहत दिखाई जाती है। अगर फोन साइलेंट है और आपको नहीं मिल रहा है तो भी फाइंड माई डिवाइस पर जाकर फोन ढूंढ सकते हैं आप। इससे आपके फोन की घंटी 5 मिनट तक सबसे तेज आवाज के साथ बजती है, भले ही फोन साइलेंट या फिर वाइब्रेशन मोड पर ही क्यों ना हो। एक और तरीका है खोए हुए फोन को ढूंढने का, उसके IMEI नंबर के जरिए। IMEI नंबर के जरिए फोन को ढूंढने का सबसे आसान तरीका एक मोबाइल ऐप है। IMEI नंबर आपके फोन के बॉक्स पर मिल जाएगा। यह आपको बॉक्स पर लगे मॉडल नंबर और सीरियल नंबर वाले स्टिकर के पास मिलेगा। IMEI नंबर 15 अंकों का होता है, जो बार कोड के ऊपर लिखा होता है। IMEI नंबर मिल जाने के बाद किसी अन्य फोन में गूगल प्ले स्टोर से फ्री में IMEI फोन ट्रैकर ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ऐप को फोन में इंस्टॉल करने के बाद आपको IMEI डालकर सर्च पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फोन की लोकेशन आपको एक मैसेज के जरिए मिल जाएगी। जब आप पुलिस में शिकायत करते हैं तो पुलिस इसी तरीके से आपकी डिवाइस तलाशती है। नेशनल डेस्क, न्यूज लाइफ, बिहार।